कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उस वक्त गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया जब वह सोनभद्र जिले में हुए खूनी संघर्ष के पीड़ितों से मिलने जा रही थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का मनमाना इस्तेमाल उनकी बढ़ती असुरक्षा को उजागर कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी को शुक्रवार को सोनभद्र की तरफ जाने से रोक दिया गया, जहां वह संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों और घायलों से मिलने जा रही थी। इस पर वह स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ धरने पर बैठ गई, जिसके बाद उन्हें अधिकारियों द्वारा एक अतिथि गृह में ले जाया गया। कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सोनभद्र में प्रियंका की गैरकानूनी गिरफ्तारी परेशान करने वाली है। वह उन 10 आदिवासियों के परिवारों से मिलने जा रही थी जिनकी अपनी जमीन छोड़ने से इनकार करने पर निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने रोकने के लिए सत्ता का मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया है, जिसमें बीजेपी सरकार की बढ़ती असुरक्षा का पता चलता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।